प्रदीप जी एक मिनट बोलो भाई, एक मिनट बना रहे हैं रंजन, बना रहे हैं प्रदीप जी बताइए कितने सेट नामांकन और कहाँ से भरे हैं, किस पार्टी? बुजुर्गों विधानसभा से भरे हैं सर, दो सेट में। आपका टिकट काट दिया गया, क्या कहेंगे आप इस टिकट? हमारा काटने हमारे से बहुत अन्याय किए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हमको हमारा लड़का 14 के उनके जलूस में घूम रहे थे गोरख पासवान के, मेरा लड़का नदी में डूब के मर गया। फिर हमको 17 में टिकट दिए, फिर 10 महीना दौड़ा काट लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे अखिलेश यादव। अब फिर मेरे को टिकट क्यों दिए? फिर काटना ही था तू। अब मैं क्या करूँ, मरूँ या तो नदी में डूब के? अब मैं जनता के बीच में जाऊँगा, उससे टिकट नहीं मांगने जाऊँगा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से। अब मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता की अदालत फैसला करेगी, बटन वो दबाएगी, वो नहीं आके दबाएंगे। अब मैं जनता के बीच में जाऊंगा। क्या आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे आगे? क्या अरे अब आगे रहेंगे क्या? हमको जब निकाल दिया हमको, तो हम क्या रहेंगे समाजवादी पार्टी में? मैं निर्दल चुनाव लड़ूंगा और जनता बताएगी कि रुद्रपुर का नेता प्रदीप यादव किसान का बेटा गरीब है, जो हिस्ट्री सीटर माफिया राम भुवाल है, जिसको टिकट दिया है, जिसके ऊपर दर्जनों मुकदमे हैं 307 और 302 के। कह रहे थे कि माफिया को नहीं टिकट देंगे, अपराधियों को नहीं टिकट देंगे। क्यों दे दिए अपराधी को टिकट? किसी गांव में घुसने नहीं पाएगा वो, मैं उसको पांचवें स्थान पर कर दूंगा, नहीं किया तो कुर्ता टांग दूंगा मैं, सबसे पीछे जाएगा वो। मजाक बना रखते हैं, कैसी तैसी कर देंगे राम भुवाल की। कितने सेटों में आपने? दो सेटों में सर। आज मुझे इतना कष्ट हुआ जब मेरा बेटा मरा था, लेकिन मेरा टिकट दे के काट दिए, हमको बहुत कष्ट हुआ। मैं 20 साल संघर्ष किया हूँ, पूछ लीजिए जाके जनता में, मैं बहुत जनता में संघर्ष किया 20 साल। कोई धरना प्रदर्शन किए हैं राम भुवाल जी? कहाँ के हैं? चिल्लू पार गोरखपुर से आके लड़ेंगे बाहरी हो कि चुनाव? रुद्रपुर का बेटा नहीं लड़ेगा, रुद्रपुर का नेता कोई नहीं पैदा होगा। अन्याय किया हमारे साथ, अब तो जनता उनको बता दे किसी गांव में घुस नहीं पाएंगे वो, रुद्रपुर में घुस जाएंगे तो देखिएगा आप लोग, आप करिए कैवरेज वहां जाके। बना सकते हैं ऐसी तैसी कर देंगे उनकी।